रुक करते हैं विस्तार से गतिविधियों की ओर। दिल्ली में दंगों को लेकर कांग्रेस सोशल मीडिया विभाग के चेयरमैन अभिषेक राणा ने दिल्ली चुनावों में भड़काऊ भाषण देने वाले सांसदों पर कार्रवाई न होने पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं। पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि देश के गृह मंत्री के द्वारा दिल्ली चुनावों में गलत बयानबाजी के बावजूद भी ऐसे बीजेपी नेताओं पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है। उन्होंने कहा कि दंगों को रोकने के लिए बीजेपी असमर्थ है और बीजेपी सरकार ही दंगों को भड़काने का काम कर रही है। उन्होंने सांसद एवं वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के बयानों के कुछ दिनों बाद ही दिल्ली में गोली चलने की घटनाओं के साथ साथ दंगे भड़कने की घटनाओं को अंजाम देने की बात कही। दिल्ली में हुए दंगों को लेकर कांग्रेस सोशल मीडिया विभाग के चेयरमैन अभिषेक राणा ने दिल्ली चुनावों में भड़काऊ भाषण देने वाले सांसदों पर कार्रवाई न होने पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि देश के गृह मंत्री के द्वारा दिल्ली चुनावों में हुए गलत बयानबाजी के बावजूद भी ऐसे बीजेपी नेताओं पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है। उन्होंने कहा कि दंगों को रोकने के लिए बीजेपी असमर्थ बनी हुई है और बीजेपी सरकार ही दंगों को भड़काने के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने सांसद व वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के बयानों के कुछ दिनों बाद ही दिल्ली में गोली चलने के साथ दंगों के भड़कने की घटनाएं हुई थी। उन्होंने कहा कि कोर्ट अगर संज्ञान लेना चाह रहा है तो दबाव की राजनीति बनाकर जजों के तबादले किए जा रहे हैं, जिसका आने वाले समय में कांग्रेस जवाब देगी। कुछ लोगों ने जो भड़काऊ भाषण दिए उसका नतीजा ये हुआ कि सोशल मीडिया के माध्यम से चाहे किसी और प्लेटफॉर्म के माध्यम से वहाँ पर आज जो दंगे हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी असमर्थ है उनको रोकने के अंदर, और एक बुरा सांप्रदायिक माहौल जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार फैलाने का प्रयास कर रही है। हाल ही में आपने देखा कि वहाँ पर हाईकोर्ट के जज ने किस प्रकार से वहाँ की पुलिस को लताड़ लगाई और कहा कि ऐसे लोगों के ऊपर FIR होनी चाहिए। चंद घंटों के बाद उन्हीं जज का ट्रांसफ़र हो गया, तबादला हो गया। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी कर रही है या अन्य दल कर रहे हैं, सबसे पहले तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही सरकार जिन लोगों ने दंगे भड़काने में सबसे अहम योगदान दिया है। जब सांसद महोदय ने बयान दिया तो उसके कुछ घंटों बाद या कुछ दिनों बाद गोली चली, एक बार नहीं दो बार चली, उसके बाद लगातार जो माहौल बिगड़ता जा रहा है दिल्ली के अंदर, और जब चुनाव के वहाँ पर नतीजे आए तो ये अपनी हार पचा नहीं पा रहे हैं। तो जो इन्होंने बयान दिए उसके बाद ये हालात आज पैदा हो गए हैं। बाद में खुद जो गृह मंत्री हैं इस देश के, उन्होंने कहा इस टिप्पणी के ऊपर कि जो ये ऐसे बयानबाजी हुई दिल्ली के अंदर उससे निश्चित तौर पे उनको नुकसान पहुंचा। तब तो सांसद महोदय और वित्त राज्य मंत्री जो है वो नो कमेंट्स कहकर आगे चले गए। लेकिन आज ज़रूरत ये है कि सरकार भी इसके ऊपर संज्ञान ले, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो संज्ञान ले, और अगर कोर्ट इसके ऊपर संज्ञान लेना चाह रहा है तो एक दबाव की राजनीति बनाकर उन्हीं जजेस को जो है वो तबादला उनका कर दिया जा रहा है। ये लोग बड़े बारीकी सी चीज़ें देख रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में निश्चित तौर पर इसका जवाब दिया जाएगा।